संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान ने मंगलवार को कहा कि उनकी मां सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहती। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में हाजीपुर सीट से अपनी मां रीना पासवान के चुनाव लड़ने के प्रयास से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में चिराग ने यह बात कही। चिराग ने कहा कि उनकी मां बैक ऑफिस संभालती हैं, घर के लोगों की देखभाल से उन्हें फुर्सत नहीं। चिराग से जब यह पूछा गया कि क्या वह अपनी मां को पापा की सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए मना लेंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए जब पापा नहीं मना पाए तो मैं कहां से। तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता के बाद चिराग द्वारा राहुल गांधी की तारीफ के बारे में पूछे गए सवाल पर चिराग ने कहा कि मैंने राहुल गांधी की तुलना खुद पुराने राहुल से करने के बाद उनकी तारीफ की, अगर उनकी तुलना नरेंद्र मोदी से करेंगे तो राहुल कहीं नहीं है। चिराग ने कहा कि इस बार 2014 की तुलना में मोदी लहर अधिक है, लोगों को नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पता है। उन्होंने कहा कि 2019 में कहीं से कोई मौसम नहीं बदल रहा, बेवजह लोजपा के बारे में कहा जाता है कि हम मौसम विज्ञानी हैं। हम लोगों ने कभी भी पोस्ट इलेक्शन अलायंस नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े एक प्रश्न पर चिराग ने कहा कि अगर वह थोड़ा और सब्र रखते तो मामला नहीं बिगड़ता। उन्होंने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि 2019 में एनडीए को 35 सीटों पर सफलता मिलेगी। इधर एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक तो जरूर लग रहा है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान के ताज़ा बयान से नई खींचतान शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल एलजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी की दावेदारी ठोक दी है। अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग ने कहा कि एलजेपी का भी उत्तर प्रदेश में मजबूत जनाधार है। प्रदेश में एक समय में हमारे 17 विधायक रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे कैडर ने बीजेपी का मजबूती से साथ दिया था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में हम चाहेंगे कि एलजेपी यूपी में भी कुछ सीटों पर जरूर चुनाव लड़े। उन्होंने दावा किया कि हमारा मजबूत जनाधार है और एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद यह जरूरी हो गया है कि हमारे कैडर को भी मजबूती से एनडीए से जोड़ा जाए। जमुई सांसद चिराग पासवान ने माना कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन बेहद मजबूत है। मायावती अखिलेश के एक होने के बाद अब एनडीए के दलों को एकजुटता दिखाते हुए मुकाबला करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।